रात के 11:30 और आप सोच रहे हो इतनी रात को साइकिल लेके कहाँ जा रहा है। तो एक्चुअली मेरे साथ एक सीन हो गया, मैं भूल गया कि मेरे को लॉन्ड्री भी करनी थी और कल मुझे जाना है काम पे, तो मेरे पास कपड़े है नहीं, अभी साफ कपड़े है नहीं, तो मेरी यूनिफॉर्म गंदी पड़ी हुई है, तो मुझे अभी 7-Eleven से जाके सिक्के लेने पड़ेंगे और फिर बाकी बस टिकट भी मेरी ख़त्म है। तो चलते हैं, बस टिकट भी लेके आते हैं और बाकी आपको आज साइकिल राइड कराते हैं। कार राइड तो हमने हमेशा कराई है आपको, तो इस बार ही साइकिल राइड कराते हैं। तो चलो चलते हैं। तुम जा रहे सोच रहे हो ये साइकिल है किसकी, तो ये साइकिल है यश की। My name is Yash, bro. यश मेरे घर पे अपनी साइकिल छोड़ गया था, एक दिन आया था, तो मैंने सोचा कि अब बस की टिकट तो है नहीं, बस पे हम जा नहीं पाएंगे, तो साइकिल भी चलते हैं, थोड़े हेल्दी भी हो जाएंगे। बड़े टाइम बाद साइकिल चला रहा हूँ तो भाई इतनी सांस चढ़ रही है ना मेरे को, क्या बताऊँ तुम्हें। मेरे को लगता है रोज साइकिलिंग करनी पड़ेगी, मेरे को पतला होना पड़ेगा। अभी देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये यहाँ पे भी स्टॉप साइन है ना, अब जैसे ये ग्रीन होगा तो हमें चलना है। पहले इस पे जाएंगे हम, दबाएंगे, अभी ग्रीन होने की वेट करते हैं। हो गया, ग्रीन तो नहीं होता मतलब चलने का साइन। ये देखो इन्होंने ना स्पेशल साइकिल के लिए ना अलग से अपना पाथ बनाया पड़ा है। बाकी तुम यहाँ से नीचे का व्यू देखो कितना बढ़िया लग रहा है, और ये पूरा पेम्बिना हाईवे है। मैं पेम्बिना हाईवे के पास ही रहता हूँ, जो जो विनिपेग रहते हैं उनको पता होगा पेम्बिना हाईवे क्या है और कहाँ पे है। वो देखो पेम्बिना हाईवे लिखा हुआ है। तुमने बाइक से मोटो व्लॉगिंग तो देखी होगी कई बारी, पर आज मैं तुम्हें साइकिल मोटो व्लॉगिंग दिखा रहा हूँ। मज़ा आ रहा है काफ़ी, बट ये है कि एक हाथ से पकड़ना पड़ रहा है मेरे को। फाइनली मेरे को यहाँ से रास्ता मिल गया है। तो यहाँ पे ना यार देखो थोड़ा बहुत ना ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ना लड़ाइयाँ होती रहती हैं रात के टाइम पे, ना थोड़ा रिस्क तो होता है यहाँ पे। अभी जैसे हमने पीछे देखा ही होगा लड़ रहे थे वो, तो कोई नहीं, अपना किसी पंगे पंगे नहीं लोगे तो सही चलेगा। मुझे तो रात को घूमना बड़ा पसंद। और बाकी ये है पोनी कॉरल, यहाँ पे ना एक बहुत बड़े व्यू है, चल के देखते हैं। ये देखो इन्होंने काला घोड़ा रखा हुआ है अपने पास वेलकम के लिए। वैसे तो अपने कोई मतलब है नहीं यहाँ से, हमें जाना कहीं और है, बट हाँ अगर रास्ते में आ ही गया है तो एक बार गेड़ा मार ही आते हैं ना फिर। तो अंदर जाके दिखाता हूँ। यहाँ पे ना एक ना रिवर साइड है और वहाँ पे पूरा बैठने का अरेंजमेंट है साथ में। ये देखो गाड़ी चेक करो भाई, तो यहाँ पे भी पार्टी वूटी चल रही है। ये देखो अंधेरे में इतना दिख नहीं रहा होगा, बट ये सारा पानी है। तो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया व्यू आता है, तुम यहाँ पे बैठो, ये रेस्टोरेंट है और ये रेस्टोरेंट के सामने पूरा रिवर है, तुम यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर सकते हो। लोग आते हैं अपनी बोट्स लेके, सो लोगों ने देखो वहाँ पे अपनी एक बोट रखी बड़ी है, वो देखो वहाँ सामने भी एक तुम्हें छोटी सी बोट दिख रही होगी, ये वाली मैं जूम करके दिखाता हूँ। तो चलो अभी यहाँ से निकलते हैं, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, जो करने हैं वो करते हैं पहले, तो चलो चलते हैं 7-Eleven में। तुम्हें कमेंट करके बताओ कि तुम्हें मज़ा आ रहा है वैसे मोटो व्लॉगिंग देखने में मेरी, नहीं आ रहा। बाकी सांस तो काफ़ी चढ़ गई है, वो इतना स्टीप था, ढलान इतनी थी कि ऊपर साइकिल को खींचते खींचते मेरी ऐसी तैसी हो गया। विनिपेग में पूरे कनाडा में ट्रक्स काफ़ी चलते हैं, तो ये ट्रक्स काफ़ी ज़्यादा फेमस है, लोगों को बड़ा शौक होता है खासकर अपने पंजाबियों को कि हाँ भाई ट्रक लेना है। आज ना लॉन्ड्री के चक्कर में ना हमारी ऐसी तैसी करा दी है। कमेंट करा करो, कमेंट जरूर करके बताया करो कि यार तुम्हें वीडियो कैसी लगती है, क्योंकि अगर तुम मेरे को सजेशन नहीं दोगे ना तो मेरे को पता नहीं चलेगा। There is 7-Eleven। भाई एक पंगा हो गया, मैं यार साइकिल तो ले आया बट साइकिल का लॉक तो मेरे पास है ही नहीं, अब मैं यहाँ पे लॉक लगा के कहाँ जाऊँगा। मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता, बट कुछ ना कुछ तो करेंगे, देखते कोई ले ना जाए यार, बस चोरी ना कर जाए, क्योंकि मेरी साइकिल नहीं है, नहीं तो मेरे को पैसे भरना पड़ेगा। मैं जरा अपनी गड्डी नू पार्किंग चलावा। तो ये जा रही है हमारी छुक छुक गाड़ी, ओके बाय बाय ट्रेन। ये देखो तुम्हें हाथ छोड़ के साइकिल चला दे, यहाँ से आ रहा है ना बढ़िया व्यू, ये चेक करो तुम भाई साहब, ये लग रहा ना व्यू मस्त, यहाँ से लग रही है ट्रेन बढ़िया जाते हुए, सेक्सी व्यू लग रहा है। मस्टैंग, ये देखो पुरानी मस्टैंग खड़ी हुई है यहाँ पे, ये रेलवे फाटक।
शर्म ही नहीं आएगी, नंगू पंगू साइकिल चलाना पे है भाई साहब। 15 मिनट हो गया, इतनी स्लो चल रही है ट्रेन, आगे नहीं जा रही है। मैं तो भाई, मेरे को लगता आज हम जा पाएंगे उस पार, आज हम यहीं रह जाएंगे यहीं पे। मैं सोच रहा हूँ मंजा बिस्तर पे जा लूँ, इधर ही सोता तो यहीं से उठ के काम पे चले जाएंगे। भाई मारो मुझे कोई, मारो यार, ये ट्रेन नहीं जाने वाली आज, हमें ही कहीं और से जाना पड़ेगा। इसने तो भाई घंटा लगा दिया, इतनी स्लो चलती है यार ये ड्राइवर, अक्ल ही नहीं चलाने की। वो देखो पता नहीं कैसे कैसे चला रहे इतनी धीरे धीरे, वो भी बंदा परेशान हो गया मेरे साथ वाला, गाड़ी खड़ी थी वो तो घुमा के वापस ले गया। हम भी चलते हैं यार, बहुत टाइम लग जाएगा इधर। तुम देख रहे हो मतलब पूरा हॉरर सीन बन रखा है, ये व्यू जो है ये किसी हॉरर सीन से कम नहीं है यार। इधर नहीं जाते हैं, बहुत देर है इधर, कुछ भी हो सकता है। वापस चलो वापस। चांद सिफारिश जो करता तुम्हारी, देता वो तुमको पता। चलो फिर, बढ़िया लग रहा ना व्यू वैसे यहाँ से। देखो यार देखो, मतलब कितना सुंदर है ना यार वाला। और वहाँ जा रहा है प्लेन, तुम्हें पता नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, हल्की हल्की छोटी छोटी लाइट दिख रही है ना। हाँ ये प्लेन कर रही है, ये प्लेन है। क्या क्या बकवास करी जा रहा हूँ मैं, सच्ची बात बताऊँ ना, मेरा आज व्लॉग करने का कोई प्लान नहीं था, बट आपका प्यार ही इतना है कि मैं अपने आप को ना कंट्रोल नहीं कर पाया। मैंने सोचा यार बहुत टाइम हो गया व्लॉग नहीं डाला, मैं अपने काम में बिजी रह रहा हूँ, बट कोई नहीं, आपको व्लॉग तो देना हमारी जिम्मेवारी बनती है और हम अपनी जिम्मेवारी पूरी अच्छी तरह निभाएंगे। ओए अभी गिर जाता। तो आई गेस आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप तुम्हें मेरी साइकिल व्लॉगिंग पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है ना तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, यार बोलना ना पड़े यार, कर दो यार, इस बार तो कर दो यार, मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा रहे यार, तुम यार क्या कर रहे हो यार। तो चलो ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आई होप तो अनुसार में पसंद आई होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके टाटा बाय, साइनिंग आउट।